ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿੱਠੀਏ ਤੇ ਹਾਏ ਬਟਾਣਾ ਸ਼ੇਰ ਕਰੇ ਚੇਂਜ ਬੱਲੀਏ ਡਿਵਾਈਡਰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਆਈ ਅੜੀ ਉੱਤੇ ਨੀ ਹਿੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਬੱਲੀਏ ਔਕਾ ਤੇਜ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਨੀ ਜਦੋਂ ਮਰਦੀ ਭੱਜ ਭੱਜ ਪੈਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਏ ਧੱਕਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ये गाड़ी अगर मैं आपको इसके चार साल बाद भी वीडियो बनाऊंगा ना तो ड्राइविंग रिस्पांस में 1% भी डिफरेंस नहीं आने वाला है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे सामने खड़ी ऑल न्यू 2023 टोयोटा फॉर्च्यूनर, जिसको रिसेंटली अपने हरजोत भाई ने परचेस करी है। ओनर्स रिव्यू मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, बट आज हम जाने वाले हैं इसकी ड्राइव पर। हालांकि देखो यार, मैं गोप्रो वगैरह लेकर नहीं आया, आज मैं पीछे बैठकर एकदम प्यारा आपको व्यू दिखाने वाला हूँ। हरजोत अपना ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर करेगा। 4x2 वेरियंट है। सबसे पहले तो यार इंटीरियर आपको चेकआउट करा देता हूँ। कुछ इस टाइप का इंटीरियर मिलने वाला है और आज सारी चीज़ें देखने वाले हैं यार। इनिशियल पिकअप कैसा है और जो ये मार्केट बना हुआ है ना, मतलब सोशल मीडिया पे छाई हुई है, यूट्यूब पे छाई हुई है गाड़ी, तो मतलब सच में वो चलने में भी वो फील है जितनी बाहर से मस्कुलर एंड अट्रैक्टिव लगती है, उतने ही चलने में मज़ा है। क्या सारी बातें करने वाले हैं। थर्ड रो में देखो यार, वैसे थर्ड रो में कोई एडल्ट तो बैठ नहीं पाएगा, बिकॉज जिस हिसाब से अभी हमने रिक्लाइन करके रखी है, जो कुछ एक्चुअल में फील करते हो ना फॉर्च्यूनर के बारे में, अपने व्यूअर्स को भी शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं इसके इनिशियल पिकअप से। पुल तो आ रहा है यार पीछे, देखो यार, मतलब इतने में अभी अराउंड 80 की स्पीड चली गई गाड़ी, केबिन में बिल्कुल भी नॉइस नहीं आया। भाई इसकी इनिशियल पावर के बारे में क्या कहना है? पावर के बारे में कहते तो 204 BHP, जिसको चलाने में काफी मजा आता है। अभी मैं आपको एक और बार पिकअप लेके दिखाता हूँ इसका। तो जैसे कि यहाँ पर थोड़ा अनइवन पैच आया है, देख सकते हो। जो मैं आपको इसकी प्रॉब्लम बता रहा था वही है, देखिए पूरा स्टेरिंग पे आपको फीडबैक मिलेगा। ऑटोमेटिक हिल रहा है। हाँ। कंट्रोल आप लूज नहीं करते, लेकिन हाँ ये देखिए बिल्कुल पूरा शेक होने लग जाता है ये। बट यार इतने खराब सड़कों पे मजा तो आता है यार, पीछे बैठ के कंफर्ट भी काफी बढ़िया है, और यहाँ पर इतनी नैरो कौन से रूट पे जा रहे हो तो हमें भी नहीं पता, हरजोत ले जा रहा है जहाँ पर। कूलिंग भी बहुत ही बढ़िया है, पीछे काफी प्रॉपर कूल हो चुका है। माइलेज की बात करें तो कितना माइलेज निकाल रही है अभी? अभी 9.6 आप यहाँ पर देख सकते हो। हालांकि यार गाड़ी के ड्राइविंग का फील लेना है तो माइलेज देखने की जरूरत नहीं। और यहाँ पर यू टर्न दिखा देना, मतलब कम रेडियस में टर्न हो जाती, इतनी बड़ी गाड़ी है। एक बार में आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे देख सकते हो रिवर्स पार्किंग कैमरा का रिस्पॉन्स। गाइज वैसे 4x2 है, 4x4 ड्राइव करिए कभी? नहीं मैंने पर्सनली। वैसे तो यार देखो, जिसका यूज नहीं है तो आपको 8-10 लाख रुपए देके ऊपर सेंस नहीं है। 4x2 भी कम नहीं है, मतलब आपको नॉर्मल ऑफ रोडिंग आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ऑब्वियसली टू व्हील ड्राइव का मतलब ये नहीं है कि ये नॉर्मल गाड़ियों की तरह है, दिस इज अ रियल व्हील ड्राइव, तो काफी पावर मिल जाती है आपको, इसमें कोई देखने वाली बात ही नहीं। अभी भी काफी खराब पैचेस है, कुछ दिक्कत नहीं आ रही, गाड़ी बिल्कुल भी लैगी फील नहीं होती, मतलब यार बहुत ही कंट्रोल में लगती है। और जैसे कि हरजोत पहले वरना ऑन करता था, तो वरना से यहाँ पर फॉर्च्यूनर में ड्राइव करने में मतलब सबसे बड़ा डिफरेंस क्या लगता है? सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें हाइट है, और जो कॉन्फिडेंस आता है इसको रोड पे ले जाके जब सब देखते हैं तो काफी सही लगता है। ये देखो 80 की स्पीड है, 80-100 की स्पीड अंदर बैठ के पता ही नहीं चलती। तो यार आगे झुक के वीडियो बनाना पड़ रही है, बिकॉज पीछे मैंने पूरी सीट रिक्लाइन कर ली है, और जो कम्फर्ट है ना यार बहुत ही गजब का है। और अभी हरजोत ने रियर एसी वेंट दोनों, मतलब सेकेंड रो और थर्ड रो के स्टार्ट कर दिए, जिसके कारण काफी अच्छी कूल हो गई है यहाँ पर, और मैं यहाँ से भी इसको कम ज्यादा कर सकता हूँ। अभी देख सकते हो यार ब्रेकिंग कैसी है भाई इस गाड़ी की। काफी अच्छी है, अभी आपने एक्सपीरियंस खुद ही किया इसको, एक सेकंड में रुक जाती है। हाँ मतलब अंदर बैठने के बाद 80-100 की स्पीड तो पता नहीं लगती। साइज के बाद भी ब्रेकिंग में मुझे आज तक कोई इशू नहीं आया, इसमें इमरजेंसी ब्रेकिंग हो, रेनी सीजन में हो, और इसमें जो टायर है वो स्पेशली इंडियन रोड के लिए डिजाइन है जो टोयोटा इंडिया देती है, इसमें पंचर्स का चांस मतलब बहुत कम रहता है। मेरी पर्सनली आज तक पंचर नहीं हुई है, 17,000 चल रही है। और अगर टायर चेंज होने की बात करें तो कितने टाइम ड्यूरेशन में टायर चेंज होते हैं इसके? डिपेंड्स ऑन योर ड्राइविंग, अगर आप टोयोटा में प्रॉपर इसका अलाइनमेंट बैलेंसिंग करवाते रहते हैं टाइम टाइम पे, मेरे हिसाब से 50-60,000 तक तो आपको बिल्कुल देखने की भी जरूरत नहीं। तो वो बात भी है, इंडिविजुअल ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका ऑफ रोडिंग ज्यादा जाना है तो 30-35,000 में भी वियर एंड टियर हो सकती है। अंदर बैठ के ब्रेकिंग के साथ बहुत ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये चीज और पूछना चाहूंगा, इतनी बड़ी गाड़ी है तो जजमेंट से रिलेटेड कैसा क्या एक्सपीरियंस? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको इस पे काफी जो व्यूइंग एंगल्स है वो काफी क्लियर है इसके। पहली बात तो आपको पूरा बोनट दिखता है इसके अंदर, अगेन आप ब्रेकिंग देख ही सकते हैं, गाय आ गई बीच में। और इंडियन रोड्स पे तो देखो यार ब्रेकिंग मस्ट है, इतनी पावरफुल गाड़ी चला रहे हो तो कोई ना कोई बीच में आते ही रहता है।
अभी जो आप पिकअप देख रहे हैं नॉर्मल मोड पे, अभी हम इसको हाईवे पे चल के स्पोर्ट्स पे भी डालेंगे। कितने मोड्स मिल जाते हैं? तीन मिल जाते हैं आपको, इको, नॉर्मल एंड पावर। इको में काफी कम हो जाती है पावर, मतलब आप बोलेंगे चलाने का मजा बिल्कुल खत्म। अगर आपको माइलेज चाहिए सिटी रन है तो इको पे चलाओ। मैं पर्सनली नहीं चलाता। अरे अब देखो गाड़ी ली है तो पावर के मजे लेने। यहाँ पर स्विच करेंगे तो आपको स्पोर्ट्स पे डाल चुका हूँ मैं, डाल दिए। पुल तो फील हो रहा है, अच्छा मिलता है आपको। 204 bhp की पावर है, 420 nm का टॉर्क है, तो मोर देन सफिशिएंट। किलोमीटर पर दिखाऊं तो 1900 चल ही रही है गाड़ी, एंड कॉन्फिडेंस भी इतना प्रॉपर मिल रहा है। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट एज वेल एज रियर में काफी कंफर्टेबल है भाई। गियर शिफ्टिंग कैसी है? काफी स्मूथ है, वाइब्रेशंस है बट स्मूथ है, और काफी इसमें आपको सस्पेंशन भी इंडियन रोड्स के हिसाब से ट्विन है, मतलब आपको इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा वॉबल हो रही है गाड़ी। बॉडी रोल भी कंट्रोल किया गया क्योंकि फॉर्च्यूनर का भी जो सस्पेंशन सेटअप है उसको थोड़ा सा स्टिफ किया गया, तो बॉडी रोल्स में भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। एंडेवर का भी ड्राइव करी है? एंडेवर मैंने करी हुई है। तो एंडेवर और इसका देखो यार, मतलब एंडेवर का भी अलग ही फैन बेस है, और दोनों गाड़ियां कभी कम्पीट नहीं कर सकती, दोनों अपनी जगह बेस्ट है। बिकॉज एंडेवर में 2.2 एंड 3.2, एंडेवर और इसमें क्या डिफरेंस लगता है? एंडेवर कहीं ना कहीं थोड़ा सा फीचर्स अच्छे देती है, प्रीमियम इंटीरियर है, और सबसे बड़ी बात उसका जो 3.2 इंजन है उसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है उसके सामने, तो वो तो माइलेज भी 6-7 का देती है। वो गाड़ी लेने वाला फिर माइलेज नहीं देखता, वो फिर 2.2 लेता है। वो बात तो है यार, बिकॉज देखो यार एंडेवर बहुत ज्यादा फीचर ओरिएंटेड कार है, बट अगर आपको एक रिलायबल इंजन चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए इंजन चाहिए, तो फिर फॉर्च्यूनर का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं रहने वाला है। बिकॉज टोयोटा में अगर आप इनोवा देख लोगे, फॉर्च्यूनर देख लोगे, ये गाड़ी अगर मैं आपको इसके 4 साल बाद भी वीडियो बनाऊंगा ना, तो ड्राइविंग रिस्पॉन्स में 1% भी डिफरेंस नहीं आने वाला है। सबसे बड़ी चीज है इसकी रीसेल। आप बोलते हैं इसको बेचना है, आपके पास आधे घंटे में लोग आ जाएंगे मुझे दे दी। आने वाले 10 साल के बाद भी रीसेलिंग इतनी अच्छी मिलने वाली, दिक्कत नहीं आती। और 10 साल तक गाड़ी, मतलब लोग इस गाड़ी को 12-12, 13-13 साल से चला रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन फॉर्च्यूनर्स मुझे आज भी दिख जाती है जिसमें आज तक कोई दिक्कत नहीं, खाली उसके ब्रेक पैड्स चेंज होते हैं, नॉर्मल सर्विसिंग फिल्टर्स वगैरह बस। कंक्लूजन की ओर बढ़े तो देखो यार, 44-45 lakh रुपीज इस गाड़ी में लगाए, बिकॉज इन फ्यूचर अभी एसेसरीज भी अपग्रेड कराओगे तो आने वाले टाइम में 50 लाख तक का बजट इस गाड़ी का चली जाएगा। तो क्या फील होता है, मतलब यार 50 लाख सही जगह लगाए कि नहीं? बिल्कुल, जब आप रोड पे चलते हो आपको बिल्कुल फील हो जाता है सही। ऑल राइट गाइस, वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा। इस रिलेटेड और कॉन्टेंट चाहिए तो मुझे कॉमेंट में एक बार जरूर बताना। थैंक यू हरजोत अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। एक बार व्यूअर्स को बोल दो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। बिल्कुल, चैनल सब्सक्राइब करिए, ही क्रिएट्स ग्रेट कंटेंट, एंड मतलब मैं पर्सनली काफी टाइम से हूं इनके साथ, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ।